धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जबकि 4 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध किया है। जानकारी के अनुसार एक युवक ने नाबालिग बालिका को दोस्त के घर बुलाकर अन्य साथियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जिसका आरोपियों ने अश्लील वीडियो भी बना लिया। ऐसे में वीडियो बनाने वाले एक युवक ने अन्य साथियों को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे 1,00,000 रुपए मांगे जिसकी भनक एसपी नारायण टोगस को लग गई। ऐसे में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की टीम गठित की और इसी के बाद पुलिस की टीम ने संबंधित ठिकानों पर दबिश देकर वीडियो वायरल होने से पहले ही आरोपियों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। एक लड़का दूसरे लड़के से ये कहते हुए पैसे मांग रहा है कि तुमने मिलके एक लड़की के साथ गलत काम किया है और उसका वीडियो मेरे पास में है, इसके मुझे पैसे दो वरना इसको मैं वायरल करूँगा। मेरे एक मित्र है लड़की, उसको एक दूसरे मित्र के घर पे लेके गया। वहाँ मेरे दूसरे और मित्र थे 4-5, उन्होंने और मैंने मिल के बच्ची के साथ में उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत काम किया और एक किसी जो मित्र ने उसका कोई वीडियो बना लिया। ये गंभीरता से लेते हुए रात को ही सारे जो मुलजिम थे उनको दस्तयाब किया, उनके मोबाइल बरामद किए और बच्ची के वारिस उनको मिला के समझाइश करके FIR दर्ज की। इसमें पुलिस ने इतनी गंभीरता और तत्परता दिखाई कि जो वीडियो बना उसको वायरल होने से पूर्व ही सभी मुलजिमों को दस्तयाब करके उनके जो मोबाइल थे वो बरामद कर लिए और आगे की तफ्तीश चल रही है।